पनेरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में रहने वाली लगभग 14 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से क्षेत्र में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। बालिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बालिका ने आत्महत्या की है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर DIG रेंज गोरखपुर जे रविंद्र गौड़ ने आम जनमानस से अपील की है कि वह किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे। पुलिस लगातार घटना के संबंध में जांच कर रही है और पुलिस बालिका के आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। जनपद से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की अपने ही घर में मृत अवस्था में पाई गई। इस सूचना पर हमारे पुलिस के उच्चाधिकारी फील्ड यूनिट के सभी लोग घटनास्थल का निरीक्षण किया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु कल भेजा गया था। आज डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जिसमें मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया गया है। इसमें किसी और अन्य प्रकार की चोटों की कोई जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। इससे ये बात साफ हो गया कि ये आत्महत्या कर ली गई। इसमें पुलिस की जांच आगे जारी रहेगा कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये आत्महत्या कर ली। कुछ और भी तथ्य निकल के सामने आए हैं सर जाँच में? अभी फिलहाल हम लोग अन्य चीज़ों से भी जांच करेंगे कि कई प्रकार के अफवाह चल रहे थे कि मृत्यु का कारण और हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारे जो अटकलों पे विराम लगाकर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हैंगिंग से मृत्यु। सर वहाँ पे अफवाह उड़ा था कि रेप का प्रयास किया गया ना, उस पर नाकाम होने के बाद हत्या कर दी गई। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत क्लियर है और कोई भी चोट उस लड़की के शरीर पर नहीं है और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट रूप से हैंगिंग लिखा हुआ है। सर आगे किस तरह की कार्यवाही की किया जा सकती है? आगे के लिए जांच जारी रहेगा कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये कदम बच्ची ने उठाया, उस पर पुलिस की जांच जारी है।